अनंजू, तो यहाँ से टिकट ले सकते हैं, लेकिन अपन खाना भी खा सकते हैं ऐसा करके बताए हैं। ये है नील गाय, वहीं पे देखो लटका हुआ है। भाई साहब वेलकम टू नंदन कानन सफारी। तो यहाँ पे अपने को बस में बैठना है। देखो शेर देखने को मिला भाई साहब, जमीन क्या जबरदस्त सीन है। बेहतरीन भाई शाबाश उठा यार। गाइस आप लोगों को मैं उदयगिरी भी दिखा दिया, अब देखते हैं यहाँ से कहाँ लेके जाते हैं हमारे बस वाले भाई साहब। बस हमें नंदन कानन जू छोड़ दी है। इसका एंट्री फीस है 50 रुपए। इससे पहले जो एंट्री फीस था वो पता नहीं मुझे, लेकिन इसका पता है। चलो देखते हैं नंदन कानन जू। यहाँ पे 2 घंटे का टाइमिंग दिया गया है। ये बस वाले भाई साहब है जिसको हमने पैसे इकट्ठा दे दिए, जहाँ जहाँ पे टिकट लगता है हमें एंट्री कराने वाले है नंदन कानन जू। तो यहाँ से टिकट ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से एंट्री लेने वाले है वीआईपी एंट्री। इसे यहाँ पे देखेंगे तो काफी सारे बोतल नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। ये देखो, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, लेकिन काफी सारे बोतल है इकट्ठा है। यहाँ पे पॉलिथीन बोतल कुछ भी खाने पीने का चीज अलाउ नहीं है जू के अंदर में। अगर आप बोतल लेके भी जाते हैं आपको 50 रुपए का टैग लगाना होगा। वो टैग जब आप बोतल वापस लेके जाएंगे दिखाएंगे तो आपका 50 रुपए रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे टिकट चेक होता है। तो गाइस टिकट अपने को मिल गई है, तो टिकट दिखा के अंदर प्रवेश करते हैं। हम लोग अंदर घुस गए हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे अपन खाना भी खा सकते हैं ऐसा करके बताए हैं। देखते हैं कहाँ पे खाना वाना का प्रबंध है भाई। वैसे पैसे दे के खाना होगा, फ्री नहीं होगा। आप लोगों को जब बाहर निकलेंगे तो गाड़ी आप लोगों को रोड क्रॉस करेंगे, यहाँ से हम लेके आए जाएंगे, रास्ता पार करेंगे, बाएं तरफ बात करेंगे। फुहारे कितने शानदार से लग रहे हैं। जो रेस्टोरेंट है वो इस साइड में है, वो भी गवर्नमेंट का ही है, और क्या ही शानदार फुहारे चल रहे हैं। तो अपने को मेन पॉइंट ही घुमाने वाले हैं, अपने को वही घूमना है क्योंकि बड़ा ये जू है, 17 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसी तरह से गाड़ी में अपन घूमने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसे पक्षी विहार चालू हो जाता है, जैसे पक्षी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। हम आए थे तो पूरा यहाँ का भ्रमण किए थे 2 वीडियो में, तो इसमें ऐसे ही घुमाएंगे, उतरने की झंझट ही नहीं है। यहाँ पे कौन से, अच्छा एमू है इस साइड में, तो ये है एमू। देखो कितने सारे यहाँ पे, किट्टू दीदी लोग आए ना, कितना बड़ा सा एमू। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या है। कैन वर्ल्ड वार में इसको ट्रेनिंग दिया गया था फाइट करने के लिए, जो आपको दिखाने वाले हैं। देखो किसी को ट्रेनिंग दिया गया था फाइट करने के लिए, हर बड़ी में देख रहे हैं। यहाँ पे देख लो नील गाय, इस तो ये है नील गाय, देख लो भाई साहब। हर जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं, एक एक करके दिखला रहे हैं आप सभी को। यहाँ पे हिरन है, दिखलाते हैं। बारासिंग है, इतने प्यारे प्यारे हैं भाई नील गाय, काफ़ी सारे हैं। ये देखो काफ़ी सारे नील गाय है यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे से। उधर भी देखो झुंड के झुंड है। देखो अलग प्रजाति के लंगूर है, अलग प्रजाति के बंदर है जो वहीं पे देखो लटका हुआ है। गए तेरे की क्या बात है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा भाई साहब। बंदर का इसका नाम है कापुचिन मंकी, इसको टॉपचर कापुचिन बोला जाता है। इसको बोलते हैं टॉपचर कापुचिन मंकी, नॉन वेजिटेरियन बंदर, 45 साल तक जिंदा रहता है। यहाँ पर है गिलहरी बंदर, वहाँ चढ़ गया गिलहरी बंदर है। तो ये क्या चीज है, लंगूर है ये भी। कौन सा भैया, कौन सा ये, तमारी 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 लंगूर है ये। सिम पांजी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, बंदर की प्रजाति है ये भी। देखो वहाँ पे बैठा हुआ है सिम पांजी, बहुत दूर में है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं हिप्पो पटामस, दिया है घोड़ा हिप्पो पटामस। यहाँ पे हर जानवर देखने को मिलता है यार, यहाँ पे कितना बड़ा है ये, बहुत कम देखने को मिलता है जू वगैरह पे।
अधिकतर पानी में ही रहता है ये। तो क्या भयानक है भाई साहब। तो यहाँ पे वॉशरूम दिया गया है जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जेंट्स वाला भी है ना उधर ही, ये मेन सेंटर है। अब यहीं से आप डिसाइड करेंगे कि पहले आप टाइगर देखने जाएंगे या फिर चिड़ियाघर देखने जाएंगे, हिरन वाला सेक्शन देखने जाएंगे, जो भी है। डायनासोर वाला भी बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव नंदन कान्हा जू। गाड़ी आ गई, इसमें बैठ के अपन सफर करेंगे। गाड़ी में बैठ गए हम लोग और चल पड़ी हमारी गाड़ी जू देखने के लिए। गाइस यहाँ पे हम उतर गए हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग वेलकम टू नंदन कानन सफारी, सफारी में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। पहले भाई साहब हमें सफारी घुमाने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने को बस में बैठना है, अपनी बस अभी नहीं आई लग रहा है। बस के अंदर बैठ गए हैं, यहाँ भी मस्त एसी लगा हुआ है। निकल पड़े हैं जंगल सफारी के लिए, काफी सारे लोग हैं। वो देखो 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 दिखा, तो ये देखो शेर देखने को मिला भाई साहब जंगल सफारी में। ओ भाई बहुत दूर है, लेकिन बहुत दूर है, यहीं पे बैठा था टाइगर। दो सी देखो शेर उड़ गया भाई साहब। ओ भाई चलता तो मजा आ जाता, उठ जा भाई उठ जा। देखो दोस्त देखो इधर तो दोस्त। भालू बैठा हुआ था सामने में, है भालू, ब्लैक भालू, ब्लैक। ये कैसे खोद रहा है जमीन, ये देखो राइट, क्या जबरदस्त सीन है। इधर उधर इधर उधर मंडरा रहा है। देखो ये बहुत सारे यहाँ पे। तो हम लोग जंगल सफारी घूम के वापस आ गए हैं, जू घूमने की बारी है भाई साहब। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो ये है जिराफ, ये बहुत बड़ा है भाई जिराफ, काफी बड़ा सा। तो यहाँ पे कछुआ, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं व्हाइट टाइगर। ये देखो व्हाइट टाइगर चल के आ रहा है, जबरदस्त बेहतरीन। ये दिखा यानी कि हमारा पैसा वसूल हो जाता है। ए इधर से नहीं दिख से मालूम नहीं। तो देखो कितना बड़ा बड़ा टाइगर यहाँ पे सोया हुआ है, लेकिन कितने आराम से सो रहा है भाई, क्योंकि उसका टाइमिंग है सोने का। गाइस तो ये दूसरा टाइगर है, देखो मस्त आराम से बैठा हुआ है। बहुत बड़े बड़े टाइगर है यहाँ पे। आय शाबाश, उठा यार सांबर। बेहतरीन, चले गए अंदर। यहाँ पर लेपेड है, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। ये देखो लेपेड, आप लोगों को हाथी दिखाने वाले हैं। सब पहला जो है जहाँ पे हाथी भी देखने को मिलता है, यहाँ पे तीन हाथी है। ये देखो जबरदस्त, एक छोटा वाला हाथी है, ये देखो जो काफी मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ भी व्हाइट टाइगर देखने को मिल रहा है भाई, मूवमेंट कर रहा है यहाँ भी। यहाँ पे बहुत सारे टाइगर हैं। ये गाड़ी हमें यहीं लाके छोड़ दी, यहीं पे हम आगे बढ़ के खाना वाना खाने वाले हैं। ये फुहारे तो आप लोगों को आते समय दिखाया था। यहाँ पर रेस्टोरेंट है उड़ीसा टूरिज्म का, देखते हैं क्या क्या खाने को मिल जाता है। OTDC रेस्टोरेंट, देखो यहाँ पे मेनू है, थाली 140 है, वेज और नॉन वेज 160, फिश है 180। तो 140 में ये सब मिलता है, पापड़ मिलता है, दाल सब्जी रायता जी। तो ये सब ख़त्म करते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे कोणार्क टेम्पल। तो यहाँ पे हमने खाना खाया, आप लोगों को मैंने दिखाया, लेकिन खाने में भाई बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं है। हमने लस्सी भी लिया हुआ था, लेकिन लस्सी में भी कोई दम नहीं था, पूरा पानी पानी लस्सी था, मज़ा नहीं आया। क्यों तरफ खाना कैसा था? टेस्टलेस।
तो आप देख कर ही खाइएगा। और 140 रुपए थाली है यहाँ पे, और यहाँ का लस्सी 50 रुपीस, वो भी टेस्टलेस, पूरा पानी पानी। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं कोणार्क टेम्पल के लिए। गाइस तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कोणार्क टेम्पल के पास में। देखो जारी है मेरे मिला के, चांदनी है, पापा पीछे में दामाद है, और ये गॉगल देख रही अपने लिए। बाकी सब दुकान है, देख लो खरीदारी के लिए एक से एक चीज देखने को मिलेंगे। आगे में काजू और किशमिश, यहीं पे मिलता है काजू और किशमिश, यहीं पे मिलता है काजू और किशमिश सस्ता काजू किशमिश। यहाँ पे जो मार्केट है ये स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बैग के दुकानें हैं, चटाई हो गए, शंख हो गए। और यहाँ से अपने को एंट्री लेना है मंदिर के लिए, टिकट घर उस साइड में है, टिकट कटा के आपको अंदर जाना होगा, लेकिन अपना टिकट पहले से कट चुका है। ये सामने में दिख रहा है, इसी को बोलते हैं कोणार्क टेम्पल। तो यहाँ से एंट्री होता है, देख लो जैसे यहाँ पे मंदिर का पूरा इतिहास बताया गया है, सूर्य मंदिर कोणार्क। चलो अंदर प्रवेश करते हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। ये देखो गाइस कोणार्क टेम्पल इतना सुंदर दिख रहा है, कोणार्क टेम्पल। गाइस तो ये है टूरिस्ट गाइड मैप, काफी सारे लोग आए हैं देखने के लिए कोणार्क टेम्पल को। चाहो तो आप ऊपर से भी जा सकते हो, नीचे से भी जा सकते हो। इंसान है, हाथी है, और ये ऊपर में शेर है, इस तरह से यहाँ भी बना हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसका बनाने का क्या मकसद है वैसा आपको समझना पड़ेगा, बिना गाइड के तो समझ नहीं आएगा, लेकिन गाइड हम ले नहीं सकते, हमारे पास में समय कम है। तो लोग तो यहाँ पे फोटोग्राफी ही करते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं जगह जगह पे। और ये सामने में दिख रहा है कोणार्क टेम्पल, यहाँ से क्या शानदार सा व्यू आ रहा है भाई साहब, जबरदस्त। तो यहाँ पे बहुत सारे आकृति बनी हुई है जो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम नीचे चलते हैं, सूर्य टेम्पल के नाम से भी इसको जानते हैं, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से देखेंगे, यहाँ पे समय का अनुमान लगा सकते हैं। जगह जगह पे इस तरह से पूरी आकृति बनी हुई है भाई साहब, तो सामने जी भी ब्लॉग बनाते हुए। और यहाँ पे थे हम लोग अभी, यहाँ पे काफी कुछ है देखने योग्य, अगर हर एक चीज दिखाने लगे बहुत बड़ी वीडियो भी बन जाएगी, फिर हमारे पास में समय भी नहीं है। यहाँ पे घोड़ा बना हुआ है, हालांकि थोड़ा सा डैमेज हो गया है थोड़ा सा क्या, और ये मंदिर के अंदर अपन जा नहीं सकते हैं क्योंकि जर्जर हालत हो चुकी है इस मंदिर की। और यहाँ पे आप लोगों को चक्र देखने को मिलेगा, ये देखो इसी से पता चलता है टाइमिंग का। तो और दिखाते हैं, यहाँ पे ये बहुत सारे चक्र हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और बिना गाइड के तो आपको समझ में नहीं आएगा, इतना तो तय है। तो ये देखो इस तरह से इस चक्र में भी बहुत सारे आकृति बनी हुई है जिसको आप देख पाएंगे, एक से एक चित्रकारी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे का चक्र दिखाते हैं। तो इस चक्र में ना बहुत सारे आकृति बनी हुई है, और इसका महत्व यह है सवेरे इंसान किस तरह से अंगड़ाई लेता है, उसके बाद फिर किस तरह से विश्राम करता है, सोता है, रात को कैसा होता है, वो सब इसमें दर्शाया हुआ है। यहाँ पे विदेशी भी आई हुई है, और ये पूरा गार्डन एरिया है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और मंदिर काफ़ी विशाल का है। यहाँ भी है जाने का, लेकिन ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस स्थान के ऊपर चढ़ना सख्त मना है, तो हम ऊपर जा नहीं सकते। वैसे यहाँ पे जितने भी चक्र बने हैं सबका अपना अपना महत्व है, मुझे लग रहा है कि ये मंडप है, सब गाइड लिए हुए हैं और सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसी तरह से पूरे चक्र ही चक्र देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ भी सीन है, वो हाथी इंसान को लिया हुआ है। अभी हम लोग टेम्पल से बाहर निकल गए हैं, ये है कोणार्क मार्केट, और यहीं पे मिलता है काजू, यही है सब, देखते हैं अब। दादा कितने कितने का काजू, काजू 500-500। यहीं पे गाइस सस्ते में मिलता है काजू और किशमिश, काजू बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है जैसे कि आप लोगों को मैं बताया। चटाई ले रही है 150 का चटाई। अभी हम लोग आ गए हैं चंद्रभागा बीच, और कौन सा मंदिर सतरु तो रामचंद्र टेंपल आगे साइड में है या पता नहीं इस साइड में है, अच्छा ये वाला है लगता है टेंपल, ये चंद्रभागा बीच, और उस बीच में नदी है वो देखने के लिए अपन जा रहे हैं। ये नदी है जो आप देख रहे हैं, और समुद्र में आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पर है समुद्र। ये देखो यहाँ पे बोटिंग भी आप कर सकते हैं, बोटिंग भी काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं, और ये नदी है जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये चंद्रभागा बीच का नदी है, जो समुद्र है वो उस साइड है जस्ट उसके आगे साइड में,
सोचो क्या ही नज़ारे हैं भाई साहब, गजब के क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है और शानदार यहाँ पे स्पोर्ट बोटिंग भी आप कर सकते हैं, वो चल रही है भाई। क्योंकि समुद्र इसके आगे साइड में है, ये तो नदी है, नदी का बहाव देख रहे एकदम शांत है, समुद्र का बहाव बहुत तेज रहता है। गाइस अभी ये हमारा आखिरी स्टॉप है सैंडार म्यूजियम, ये देखते हैं हम। जगन्नाथ टेंपल बना हुआ है, ये रेत से बना हुआ है, इसके बगल में बना हुआ है जगन्नाथ भगवान भी रेत से बना है, देखने से ऐसा लग नहीं रहा कि रेत से बना हुआ है। ये कोणार्क टेंपल बना हुआ है, काफी प्यारा दिख रहा है। तो यार रेत से इस तरह से बना पाना भाई लाजवाब है, गोरिल्ला तो लग रहे है। यहाँ पे गणपति महाराज जी बने हुए, ये बेहद खूबसूरत लगा मुझे। यहाँ पे दुर्गा माता बना हुआ है, डॉल्फिन दिखाया गया है, मछली दिखाया गया है, घंटा क्लॉक बना है, क्या बना है, स्कूटर चला रहा भाई साहब, ये बना है ताजमहल, ये हल्क दिखाया गया है। तो हम वापस रूम आ गए हैं, फैमिली मिल के बातचीत कर रहे हैं ट्रिप के बारे में, कैसा रहा, अच्छा रहा ट्रिप, खाना मैं आप लोगों को बताया, वहाँ पे मत ट्राई करिए।